नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रोकी गई केदारनाथ यात्रा, गोरीकुंड में बड़ा हादसा, 19 लोगों की मौत की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए भावुक तथा एम्बुलेंस गाड़ियां तत्काल रवाना कर दी गई हैं। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गोरीकुंड में पहाड़ी चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा हुआ है। यानी कि दोस्तों अभी अभी बहुत ही भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों बता दें चीख पुकार मच गई है। घटना दोस्तों बता दें देर रात की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोरीकुंड से मध्य रात्रि जनपद रुद्रप्रयाग में गोरीकुंड बस स्टैंड डाट पुलिया के पास अचानक से दोस्तों पहाड़ी खिसक गई, यानी कि भूस्खलन हो गया। और भूस्खलन होने के कारण मंदाकिनी नदी में 3 दुकानें दोस्तों देखते ही देखते बह गई। हादसे में 19 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से कुछ नेपाली मूल के भी होने की आशंका है। बताते चले दोस्तों, एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। घटना डाट पुलिया पर दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात करीब 12:15 पर हुई है। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी यानी कि DDMO नंदन सिंह रजवार ने कहा है, गोरीकुंड के पास भूस्खलन की वजह से 3 दुकानों के नदी में बहने से 19 लोग लापता हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF, पुलिस और जिला प्रशासन के कई कर्मी बचाव और खोज अभियान में चल रहे हैं। राजवर ने कहा है कि लापता लोगों का तीर्थयात्री नहीं बल्कि दुकानदार होने का भी शक जताया जा रहा है। प्रशासन ने 19 लोगों की जो सूची है वो जारी कर दी है। बहुत ही दर्दनाक खबर है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं बताएं।